हेलो फ्रेंड्स अबाउट इन द यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है संतोष पुडाकोटी दोस्तों क्या आपके साथ में ट्रेन टिकट बुक करने में कोई प्रॉब्लम आती है क्या तत्काल टिकट आप बुक नहीं कर पाते हैं अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए ये हंड्रेड आपको तत्काल टिकट बुक करा करके ये देगा विद इन ट्वेंटी सेकेंड में बहुत सारे लोग तत्काल टिकट बुक करने में उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो उस प्रॉपर जो स्टेप बाई स्टेप डिटेल भरनी पड़ती है उसकी वजह से इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि उस पूरे देर में एक से दो मिनट में और पाँच मिनट में सारे टिकट ख़त्म हो जाते हैं और जब तक वो उसको फिल करते हैं तब तक उनका जो सीट है वो वेटिंग लिस्ट में आ जाता है तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप हंड्रेड परसेंट अपना तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं तो आइए चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाकर के हम उसमें लिखेंगे तत्काल फॉर श्योर तो यहां पे मैं टाइप कर लेता हूं यहां पे आपका तत्काल फॉर श्योर का सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है इसी एक्सटेंशन को हमने इंस्टॉल करना है जिससे कि हम अपना तत्काल टिकट सिर्फ 20 सेकंड में अगर हमने पूरी इंफॉर्मेशन पहले से फिल कर रखी है तो सिर्फ 20 सेकंड में हमें वो टिकट मिल जाएगा 100 परसेंट श्योर sure है श्योर sure पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको क्या करेंगे अपने क्रोम में ऐड कर देंगे ऐड एक्सटेंशन अब ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये हमारे गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगा और ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम फिल करेंगे वो हमारे सिस्टम में ही रहेगी लोकल में ही रहेगी क्लाउड बेस में नहीं जाएगी इसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करनी है पहले से ही जो कि हमें बाद में फिट करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें एक ऑप्शन और है जिसमें कि हम अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़र नेम और पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड आप उसमें ऐड करें वहाँ पे हम अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं और उसमें जो ओ आएगा उसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो यहाँ पर अभी ये चेकिंग कर रहा है ये ऐड हो रहा है इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आ, इस यहाँ पे ऐड हो गया है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉर्नर ये राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे ऐड हो गया है अब मैं इसको न्यू टैब खोल लेता हूँ इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एक विंडो छोटी सी पॉपअप होगी जनरेट टिकट हम क्या करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जो तत्काल फर्स्ट श्योर है उसका एक विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है यहाँ देखिए यहाँ पे ये यह बता रहा है एंटर योर ट्रिप डिटेल हमें अपनी ट्रिप डिटेल कहाँ से कहाँ तक जाना है कितने लोगों को जाना है किस किस को जाना है ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने इसमें फिल करनी है न्यू टिकट पर क्लिक करेंगे यहां पे हमें कुछ टैब हैं जो हमें फिल करने हैं फर्स्ट आपका आई आर सी टी सी जो अकाउंट है वो हमें ऐड करना है तो पे मैं कर देता नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है ट्रिप डिटेल ट्रिप डिटेल में क्या है कि कहाँ हमने जाना है कहाँ से कहाँ तक जाना है कौन सा क्लास है कौन सा कोटा से हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी डिटेल हमें इसमें फिल करनी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देहरादून से दिल्ली, दिल्ली एन डी एस एल यहाँ पर हम डेट डाल देंगे किस डेट में जाना है मैं कल के डेट में डाल देता हूँ इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्रेन नंबर पता होना चाहिए अगर आपको ट्रेन नंबर पता नहीं है तो उससे टिकट बुक नहीं हो सकता है आपको ट्रेन नंबर पता होना चाहिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वन टू जीरो फाइव सिक्स कौन सी क्लास का आपको टिकट चाहिए स्लीपर क्लास ए सी सेकेंड ए सी चेयर कार सेकेंड सीटिंग इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले से यह पता होना चाहिए कि उस ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस ट्रेन का हमने यहाँ पे नंबर डाला है वो उस ट्रेन में स्लीपर क्लास है ही नहीं या फर्स्ट क्लास है ही नहीं तो ये थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए तो मैं यहाँ पे सेकंड सेटिंग डाल देता हूँ कोटा हमारा तत्काल का ही होगा क्योंकि हम इसमें तत्काल के टिकट के बुक के लिए अगर आपके पास कोई बोर्डिंग स्टेशन भी है तो वहाँ पर वहाँ का भी आप डिटेल डाल सकते हैं <coughs> अब हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते ही हमारे यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल आ जाएगी कि किस को जाना है और उनका एज जेंडर जो प्रेफर जो बर्थ वो प्रेफर करेंगे उस बर्थ के बारे में हम डिटेल यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे फिलहाल मैं अपनी डिटेल डालता हूँ वेज इसके अलावा अगर आप पैसेंजर ऐड करना चाह रहे हैं तो और भी पैसेंजर के लिए डाल सकते हैं यहाँ पे फिलहाल चार ही लोगों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर कोई चाइल्ड है उसके एज और जेंडर यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे जो ये टिक मार्क करने के लिए बुक ओनली इफ कन्फर्म सीट आर अलाउटेड अगर आप के लिए सीट अलॉटेड होगा तभी ये बुक होना चाहिए तो इस पर आपको टिक करना है प्रिफर्ड कोच नंबर नहीं करना है क्योंकि वहां पे अगर हम प्रिफर्ड कोच करेंगे अगर वहां पे नहीं होगा तो हमें दूसरी जगह हो सकता है कि वो सीट ना मिले <coughs> यहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट में है यहां पे पेमेंट डिटेल यहां पे दो ऑप्शन है पेमेंट डिटेल में नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं ये आपके लोकल कंप्यूटर में ही ये इन्फॉर्मेशन एड रहेगी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड नंबर एक्सपायरी मंथ सी बी सी पिन ऑप्शनल करें कार्ड पे जो नाम है उसके डिटेल और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गए योर सेव ट्रिप आपने जो अपनी ट्रिप सेव कर रखी है वो यहाँ पे है कौन सी ट्रेन है कितने लोगों को जाना है कौन सी क्लास है कहाँ से कहाँ तक जाना है ये डिटेल है यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है क्लिक बुक नाउ एट नाइन फिफ्टी सेवन ए एम टू टेन फिफ्टी सेवन ए एम जैसे ही कल सुबह नौ बज के सत्तावन मिनट होंगे आप यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका टिकट वहाँ पे बुक हो जाएगा आपको उसी टाइम पे करना है जैसे आप ये प्रोसेस करेंगे ये क्या होगा कि आई का जो डिटेल है वो वो पेज ओपन होगा और सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी आपको सिर्फ दो डिटेल डालनी है एक कपाचा और दूसरा ओ जो आपके मोबाइल में आएगा जो आपके कार्ड के थ्रू पेमेंट होनी है तो इस तरह से आप अपना जो आई का जो तत्काल टिकट बुकिंग है वो कर सकते हैं और ये हंड्रेड परसेंट श्योर है मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ बट मैं इस वीडियो में उसको नहीं बता पाया तो आप एक बार करके देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब uh, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाय बाय